समूचा उत्तर भारत जहां शीतलहर व कोहरे की चपेट में है, तो वहीं दक्षिण हरियाणा के भिवानी में भी कोहरे व शीतलहर की दस्तक पिछले चार दिनों से जारी है। आज नववर्ष के दूसरे दिन भी कोहरा व ठंड रही, जिसके चलते दक्षिण हरियाणा में आम आदमी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। भिवानी जिले का पारा भी न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, जिसके कारण आम आदमी गर्म वस्त्रों व अलाव का सहारा लेते नजर आते हैं। इस बार देरी से ही सही मगर ठंड का आगाज हुआ है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड की वजह से लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। रात को तापमान 5 डिग्री के करीब दर्ज किया गया, वहीं कोहरा भी लगातार बढ़ रहा है। कोहरा सरसों और गेहूं की फसलों के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि फसलों को जो नमी अब चाहिए वह कोहरे से मिल रही है। आजाद टीवी न्यूज के लिए भवानी हरियाणा से अमन शर्मा की रिपोर्ट। काफी सर्दी है, कल से शीतलहर चल रही है और कोहरा भी खूब है, काफी ठंड बढ़ेगी। हाँ जी, कैसे कोहरा? कोहरा तेज है, बारवाई तो बहुत ज्यादा है, बल्कि रेलवे लाइन की तरफ तो बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा है। ठंड तो है, सुबह बहुत ज्यादा ठंड थी। ठंड पड़े से तो छुक्की पड़े से, जब वर्षा हो ना, बारिश हो, ओस हो, तो फायदा है। गेहूं में नुकसान, सारी फसल में नुकसान है। सरकार की ऐसी है जी, कुछ तो कोहरा पड़ता है जी, और फिर ठंडी ठंडी हवा से चले है, धूप निकले है तो जी कोहरा थोड़ा शांत हो जाए, गर्म कपड़े पहनते हैं तो थोड़ा ठंड कम लगती है, और आग तपा के बैठते हैं तो थोड़ा शांति मिल जाती है। वैसे ठंड है जी, अभी पड़ती है ठंड काफ़ी, नुकसान भी जी, कपड़े ना पहना तो शरीर में थोड़ा नुकसान होने का डर है जी, बुखार उखर हो गया, सर्दी लग गया, जुकाम हो गया, इस वास्ते कपड़ा पहनना जरूरी है। देखो जी, किसान अगर ज़्यादा धुमर पड़ती है, ठंड होती है, तो किसानों को फायदा होता है इसमें, तो जो गेहूँ बो रहा है उनको थोड़ा सर्दी ठीक, उनको अगर गर्मी पड़ती है तो उनको कुछ ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है।